ट्रैवल करना, नए लोगों से मिलना, नई जगहों के बारे में जानना, इन सब का आपकी पर्सनालिटी के ग्रोथ में और नॉलेज में काफ़ी ज़्यादा हाथ होता है। और स्पेशली लॉकडाउन के बाद हमें हॉलीडे का जो महत्व है वो और भी ज़्यादा पता चल रहा है कि हमारे लिए हॉलीडे कितनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक मेंटल पीस हमें चाहिए, इसलिए आजकल वर्केशन हो रहे हैं, वर्क फ्रॉम होम भी अगर हम कहीं करना चाहते हैं देन वी फाइंड आउट सम डेस्टिनेशन जहाँ पर पीसफुल एनवायरमेंट हो, ताकि हम हमारा 100% काम को भी दे पाए और हमारी मेंटल हेल्थ को भी दे पाए। तो आपको हर जगह पे आजकल जॉस्टल का नाम तो डेफिनेटली सुनाई दे रहा होगा। अगर आप एक सोलो ट्रैवलर हो देन जॉस्टल इज़ ऑलवेज अ बेस्ट एंड कन्वीनियंट एंड बजट फ्रेंडली ऑप्शन। तो बस हम भी आ गए हैं जॉस्टल प्लस लोनावला में। वी ट्राइड टू बुक अ कपल रूम बट यहाँ पे ऑलमोस्ट सब फुल ही रहता है। सो हमने सोचा कि वाई नॉट ट्राई टू स्टे इन अ डॉर्म रूम जहाँ पे अनजान लोगों से मिलने का मौका मिलता है, दूसरे लोगों के बारे में भी जानने का मौका मिलता है। तो बस जॉस्टल की यही तो खास बात है कि जो अनजान है वो भी हमारे दोस्त बन जाते हैं। तो जॉस्टल प्लस इन लोनावला के बारे में थोड़ी बहुत डिटेल्स मैं आपसे शेयर करूंगी और मेरा अनुभव यहाँ पे कैसा रहा उसके बारे में भी मैं थोड़ी थोड़ी बातें बीच बीच में करती रहूंगी। सो बने रहिए हमारे साथ इस वीडियो में। विद दिस आई ऑल्सो वेलकम यू ऑल ऑन अवर चैनल द डुओ डायरीज वेयर वी क्रिएट कॉन्टेंट रिलेटेड टू ट्रैवल, फूड एंड लाइफ स्टाइल। मैं हूँ नेहा। इसमें कोई भी शक नहीं है कि यहाँ का जो लोकेशन है इज़ वन ऑफ़ दी बेस्ट एंड अट्रैक्टिव लोकेशन। फुल लेक व्यू देखने मिलता है, साथ में ये जगह जो है वो पूरी पहाड़ों से घिरी हुई है, तो पूरी नेचर वाइब तो आपको फील होती ही है। साथ में इस जगह को इतने खूबसूरत तरीके से सजाया है कि हर एक कॉर्नर में आपकी नज़र टिक जाती है। कोई ना कोई मोमेंट्स, अच्छी यादें आप अपने लिए ज़रूर से यहाँ पर क्रिएट करके जाते हो और इस जगह को बहुत आगे जाकर याद भी करते हो कि कितनी अच्छी जगह थी। अगर आप जॉस्टल लोनावला आना चाहते हो तो सबसे कन्वीनियंट ऑप्शन यहाँ पर है प्राइवेट व्हीकल लेकर आना, और अगर आप ट्रेन से आना चाहते हो तो आप लोनावला स्टेशन उतर सकते हो, वहाँ से ऑटो ले सकते हो या फिर कैब भी बुक कर सकते हो। थोड़ा सा 700 to 800 के आसपास ट्रैवलिंग का कॉस्ट जाएगा, उससे भी ज़्यादा हो सकता है। अगर आप शेयरिंग बेसिस पे आओगे तो शायद थोड़ा सा बजट फ्रेंडली हो जाएगा। तो और एक बात मैं मेंशन करना चाहूँगी कि शाम के टाइम पे या एकदम रात के टाइम पे आना थोड़ा सा अवॉइड कीजिएगा, क्योंकि रास्ते जो है वो थोड़े पैची है। साथ में स्ट्रीट लाइट्स भी हमें देखने नहीं मिलती है, क्योंकि पूरा माउंटेन वाला जो रोड है उसमें थोड़ी बहुत ऐसी दिक्कत आ सकती है। तो बस और इन सब चीज़ों का ध्यान रखिएगा और रूट के बारे में सारी जानकारी लेकर आइएगा और इस जगह और इसकी वाइब को ज़रूर से एंजॉय कीजिएगा।
तो हम मिक्स डॉम में स्टे कर रहे हैं, इसलिए डॉम के बारे में मैं पूरी जानकारी दे पाऊंगी और इस वीडियो में भी आप यहाँ का डॉम कैसा है वो देखने वाले हैं। रूम्स के बारे में थोड़ा मैं नहीं बता पाऊंगी क्योंकि रूम्स ऑलरेडी बुक है तो हम वो कवर नहीं कर सकते। तो यहाँ पे मिक्स डॉम्स अवेलेबल है, साथ में यहाँ पे फीमेल डॉम्स भी अवेलेबल है। उसके साथ साथ उसके अंदर क्या क्या सुविधाएँ हैं उसके बारे में पहले बात करते हैं। तो फुल्ली एयर कंडीशन है और जो बाथरूम है वो नीट एंड क्लीन है। आपकी ज़िम्मेदारी है, आपको पूरा बाथरूम जो है वो क्लीन रखना है, एंड दैट्स अ वेरी गुड थिंग। इंडिपेंडेंट होना आप सीखते हो, क्लेनलीनेस सीखते हो। उसके साथ साथ थोड़ा थोड़ा कभी कभी डिस्टर्ब करने के लिए काफ़ी, मतलब जैसे आप अपने पार्टनर के साथ हो या फिर अकेले हो तो कोई अपना काम कर रहा है तो अंदर आना जाना वो लगा रहता है, पर ठीक है। तो थोड़ी बहुत जाते ही फ्रेंडशिप कर लेनी चाहिए, थोड़ी बहुत जानकारी ले लेनी चाहिए, आपके रूम में कौन रह रहा है, उसका नाम क्या है। ये जो बातें करना यानी कि आइस ब्रेक करना, ये काफ़ी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है ताकि आप कुछ नई जानकारी ले सको, नए लोगों को जान सको। तो बस वही अनुभव मैंने भी किया। उसके साथ यहाँ पे ऐसे स्टैंड भी है, अगर आपको आपके क्लोथ्स वॉश करने हैं देन यू कैन यूज़ दैट स्टैंड। आप काफ़ी सारे दिनों के लिए, अगर बहुत सारे दिनों के लिए यहाँ पे स्टे करने के लिए आने वाले हो तो वो सुविधा भी दी गई है। सो काफ़ी क्लीन से डॉर्म है और आसपास की वाइब भी काफ़ी अच्छी है। सो उसके अंदर 6 बेड्स है हर एक डॉर्म में। सो बस इस तरीके से आप अपना प्लान कर सकते हो, अगर सोलो आने वाले हो या पार्टनर के साथ आने वाले हो तो एक बार डॉर्म में ज़रूर रहिएगा, आपको बहुत अच्छा लगेगा। इट विल बी डेफिनेटली अ वेरी डिफरेंट एक्सपीरियंस। मतलब हम नॉर्मल रूम्स में रहे उससे बेटर है कि हम कभी कभी ऐसे ही डॉर्म्स में भी हमें रहना चाहिए ताकि कुछ नया जानने को मिले।
तो अगर आप हॉलीडे के लिए आना चाहते हो या फिर अपना काम करने के लिए आना चाहते हो, वी वुड डेफिनेटली रिकमेंड हॉस्टल लोनावला। इतनी पीसफुल जगह है, इतनी कलरफुल जगह है, बहुत अच्छा आपका समय जो है यहाँ पे बीतने वाला है। साथ में यहाँ का स्टाफ अच्छा है, फूड भी अच्छा है, और आपका स्टे जो है वो डेफिनेटली अच्छा होगा ही। अगर आप डॉर्म में रह रहे हो या फिर कॉटेज में रह रहे हो, आपको हर तरीके से ये जगह पसंद आने वाली है। सो वी होप आपको ये जगह और हमारा वीडियो पसंद आया होगा। और अगर आपने हमारे इस वीडियो को पसंद किया है तो प्लीज़ हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, उस पर कॉमेंट भी ज़रूर कीजिए, और हमारे चैनल को प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। हम मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक एवरीवन टेक केयर, बाय।